अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो ख़वातीन के अमराज मखसूसा पर है। दोस्तों, कुछ दिन पहले इंदाम निहानी में लगाने का एक सफ़ूफ बताया था और ये कैप्सूल उस सफ़ूफ के साथ खाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका नाम है दुल्हन कैप्सूल। ये कैप्सूल कसरत मुबाशरत, आम जिस्मानी कमज़ोरी, रहम की कमज़ोरी या विलादत के सबब रतूबात की कसरत से इंदाम निहानी लूज़ हो जाए तो वो ख़वातीन फ़िटनेस के लिए सफ़ूफ और इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये कैप्सूल ख़वातीन की ज़ायशुदा जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करके ताकत को बहाल करने में मददगार हैं, औरत की ख्वाहिशात को बढ़ाते हैं और सफ़ूफ बच्चेदानी की रतूबतों को खुश्क करके लूज़ और ढीलेपन को दूर करता है। ख़वातीन के रहम की कमज़ोरी की ख़ास दवा है और सफ़ूफ ख़ास के इस्तेमाल से रहम का लूज़ और ढीलापन दूर कर सकते हैं। और दुल्हन कैप्सूल औरत की जिंसी कमज़ोरी के लिए इंतहाई मुजरब और कुंवारेपन को बहाल करता है। हर उम्र की ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं। ये ऐसे कैप्सूल हैं जो नहायत तेज़ी से मर्ज को रफ़ा करने की सलाहियत रखते हैं। ये कैप्सूल ख़वातीन का कुंवारापन बहाल करने के लिए बेहतरीन है। ये ऐसा कैप्सूल है जो नहायत तेज़ी से मर्ज को रफ़ा करता है, अंदरूनी अमल के ज़रिए रहम को टैट और खुश करते हैं। इंदाम निहानी के ढीले मसल्स और रहम की ताकत के लिए मुअस्सर तरीन कैप्सूल हैं जो अपनी कुव्वत काब्ज़ा से औरत की फ्रेज वजैना को तंग करते हैं। दोस्तों, दुल्हन कैप्सूल और सफ़ूफ आपको हर बड़े पंसार स्टोर से मिल जाएंगे। दोस्तों, मज़ीद इस कैप्सूल के फ़वैद और बख्शी दवा खाने के और प्रोडक्ट देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और जिन दोस्तों ने अभी तक पाक देसी हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। जज़ाकअल्लाह।